अभी हम लोग जा रहे हैं इटावा के मंदिर घूमने के लिए। तो सबसे पहला मंदिर है माता रानी का काले बहन मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ भी है। और यहाँ पे पापा ताई सब लोग फूल खरीद रहे हैं और मेरे तो पैर चले ही जा रहे हैं। फिर मैं चढ़ गया पापा की गोदी। मैं, पापा, मम्मा जल्दी दर्शन करके बाहर आ गए और हम वेट कर रहे हैं बाकी घर वालों का। दूसरा मंदिर है इटावा का टैक्सी टेम्पल, जो कि काफी ऊंचाई पर बना हुआ है और काफी सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद दर्शन होते हैं महादेव जी के। फिर बारी आती है दान पेटी में पैसे डालने की। अरे चला जा, ये तो जा ही नहीं रहा है। और फाइनली पैसे चले गए। और नंदी जी के बारे में दादी बता रही है कि इनकी ईयर में जो कुछ भी बोलो तो वो महादेव जी जल्दी सुन लेते हैं। तो मैंने भी बहुत सारी चिज्जू मांगी और दादी भी कुछ विश मांगने लगी। अरे अरे दादी, कितना मांगोगी? और ये क्या कर रही हो दादी, इतनी देर से क्या मांगा दादी ने पता नहीं। और इस टेम्पल से देखो तो पूरा इटावा दिखता है। फिर मंदिर के दर्शन करने के बाद में हम चल लिए वापस। बाय।